नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हालिया समय में भारतीय टीम को रोहित शर्मा की कप्तानी में श्रीलंका खिलाफ वनडे श्रृंखला में शर्माकर झोली पड़ी। मगर उससे पहले श्रीलंका खिलाफ तीन में जो T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप करके इतिहास रचा और एक बार फिर से हमारी भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने जा रही है, जिसका बी फाइनल शेड्यूल भी BCCI ने घोषित कर दिया है। और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही BCCI ने इंग्लैंड के टीम के खिलाफ खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कल हुए बैठक में BCCI ने इंग्लैंड के टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यों की फाइनल स्क्वाड घोषित कर दी है। और दोस्तों, आपको बता दें, BCCI ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अध्यक्षता में शानदार 15 सदस्य टीम का ऐलान की है, जिसमें शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज जैसे 5 खतरनाक दिग्गज शेरों को भारतीय टीम से बाहर करके सबको हैरान करके रख दिया है। साथ ही साथ हालिया समय में घरेलू श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय तूफानी युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम में मौका देकर सबको चौंका डाला है, जिनके अब भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल हो जाने के बाद भारतीय टीम की स्क्वाड इंग्लैंड के टीम के खिलाफ काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, BCCI ने भारतीय टीम के स्क्वाड में जिन 15 खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, वह सभी खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम को भी 5 ही T20 मैचों में बुरी तरीके से हराने वाले हैं। तो आखिर दोस्तों, इंग्लैंड के टीम के खिलाफ खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम के स्क्वाड में किन किन 15 खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं, भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच में यह 5 मैचों की T20 सीरीज कब से शुरू होने वाली है, इसके सभी महामुकाबले किस किस तारीख को खेले जाएंगे, इनकी शुरुआत भारतीय से अनुसार कितने बजे से होने वाली है, टॉस कब फेंका जाएगा, कौन कौन से मैदान पर यह सभी महामुकाबले खेले जाने वाले हैं, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इंग्लैंड और भारत के बीच में T20 में हेड टू हेड आंकड़े और साथ में 15 सदस्यीय भारतीय टीम सहित सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि यह सीरीज आप लाइव फ्री में कहां देख सकते हैं। ये वीडियो कॉपी इंफॉर्मेटिव एवं इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। साथ ही हमको यह बताइए, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में T20 का बेहतरीन कप्तान आप किसको मानते हैं, प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर नए हैं तो क्रिकेट की रोचक और नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम ने अब भी श्रीलंका को T20 श्रृंखला में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया, वह सच में लाजवाब रहा। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा गेंदबाज और बल्लेबाजों का कमाल देखने को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम ने गजब का प्रदर्शन दिखाया। तो वही इससे पहले T20 विश्व कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भारतीय टीम ने तो कमाल का प्रदर्शन करके इतिहास रचा था और विश्व कप अपने नाम किया था। और उसके बाद जब नई टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 खेलने गई, तो उसकी तरफ से इतना खतरनाक को खूंखार प्रदर्शन देखा गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसके बाद दोस्तों, फिर वनडे श्रृंखला में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी में जब वनडे श्रृंखला खेली गई थी, श्रृंखला में श्रीलंका ने गजब का प्रदर्शन करके भारतीय टीम को एक भी महामुकाबला नहीं जीतने दिया और इस सीरीज को अपने नाम करके इतिहास रच दिया और भारतीय टीम को शर्मनाक हार दे दी है। इसके बाद अब गौतम गंभीर, जिनको कोचिंग ये हार मिली थी, उनके लिए बहुत बुरी बात रही। और ये बुरी खबर इसीलिए भी है कि उनकी कोचिंग में पहले ही वनडे सीरीज भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी, मगर T20 में भारतीय टीम का खतरनाक प्रदर्शन कर रही है और सूर्य कुमार यादव अपनी शानदार कप्तानी में यह लगातार करके दिखा भी रहे हैं। वैसे मैं अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अपनी खतरनाक एक और श्रृंखला का ऐलान किया है, तो भारत और इंग्लैंड के टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दोस्तों भारत और इंग्लैंड के टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला बेंगलुरु के MI चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वही दोस्तों, इस T20 सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दोस्तों चौथा T20 मुकाबला भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वही दोस्तों, इस सीरीज का अंतिम और आखिरी यानी कि 5वां T20 मुकाबला चेन्नई के MI चिदम्बरम स्टेडियम
स्टेडियम में खेला जाएगा। वही दोस्तों, अब बात करें कि जब भारत और इंग्लैंड के टीम के बीच यह पांचों ही T20 मुकाबला खेला जाएगा, तो यह पांचों ही T20 मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार कहां पर और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के टीम के बीच यह पांचों ही T20 मुकाबले को आप भारत में भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से शुरू होने वाले हैं, जिनके लिए टॉस शाम को 6:30 को फेंक दिया जाएगा। वहीं पर इन सभी महामुकाबला का लाइव प्रसारण की अगर बात करें तो सभी मैच आपको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेंगे। वहीं पर लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट नेटवर्क टेलीविजन पर होगा और लगातार क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वही आगे बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच T20 में हेड टू हेड रन कार्ड के बारे में, तो भारत और इंग्लैंड के बीच T20 में अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं, जहां भारतीय टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं, तो इंग्लैंड ने भी 11 मुकाबलों में बाजी मारी है। तो वहीं दोस्तों, हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखने के बाद दोनों ही टीम का प्रदर्शन जबरदस्त दिख रहा है, लेकिन भारतीय टीम अभी T20 में अलग ही फॉर्म चल रही है, ऐसे में इंग्लैंड को बचकर ही रहना होगा। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम की 15 सदस्यों वाली खूंखार स्क्वाड के बारे में, तो सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है, जहां अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी और भविष्य की तरफ देखते हुए अभिषेक शर्मा को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, क्योंकि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद अभिषेक शर्मा को उनकी जगह मौके दिए जा रहे हैं और यह भी रोहित शर्मा की तरह ही खूंखार बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 2 पर मौका मिला है युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को। देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल भारत के ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज हैं और टेस्ट और T20 दोनों में उनका डेब्यू भी हो चुका है, और T20 और टेस्ट में डेब्यू होते ही कम उम्र में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा यशस्वी जायसवाल कर चुके हैं, और यशस्वी जायसवाल ने इतनी कम उम्र में काफी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, इसलिए आने वाले समय में बहुत से रिकॉर्ड टूटते हुए दिखने वाले हैं, और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ अंदाज में ओपनिंग करने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर मौका मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। जी हां दोस्तों, गायकवाड़ भी ढाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और विराट कोहली के T20 से संन्यास लेने के बाद काफी दिग्गजों का कहना है विराट कोहली के स्थान पर नंबर 3 पर गायकवाड़ बिल्कुल सही चुनाव है, और उनके ही स्टाइल में बल्लेबाजी कर सकते हैं, और ऐसा जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में देखने को भी मिला था, वहां पर उन्होंने बिल्कुल विराट कोहली की तरह ही बल्लेबाजी की थी। तीसरे नंबर पर आकर ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ गायकवाड़ का बल्ला जमकर बोलने वाला है। वही दोस्तों, नंबर 4 पर मौका दिया है शुभमन गिल को। जी हां दोस्तों, अब भारतीय टीम के पास 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे अच्छे और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ही खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन शुभमन गिल भी किसी से कम नहीं है। हालांकि शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट काफी कम रहता है, लेकिन वह काफी शानदार खेलते हैं, लेकिन उन्हें ओपनिंग में मौका मिलता है या नहीं यह देखना होगा। इसके बाद नंबर 5 पर रियान पराग खेलते हुए दिखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, रियान पराग काफी शानदार लय में बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, रियान पराग काफी शानदार खिलाड़ी है, इसलिए इन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 दोनों टीम में शामिल किया गया था, और प्लेइंग 11 में भी खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया। हालांकि बल्लेबाजी में जरूर फ्लॉप रहे थे, लेकिन गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन करके दिखाए हैं। इसके बाद नंबर 6 पर मौका मिला है रिंकू सिंह को। दोस्तों, रिंकू सिंह एक विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, रिंकू सिंह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, चाहे जैसी भी स्थिति हो, अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। जी हां दोस्तों, ईशान किशन को इस सीरीज के लिए वापसी हुई है। देखा जाए तो ईशान किशन काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं और शानदार विकेट कीपिंग करते हैं। वही दोस्तों, नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या की वापसी हो चुकी है,
क्योंकि इंग्लैंड काफी मजबूती टीम है, इसलिए हमें एक शानदार ऑलराउंड की आवश्यकता है, इसलिए हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आएंगे वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की भी काफी लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हो रही है। आपको बता दें कि उनका डेब्यू 2019 में हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत कम मौके दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि सभी मैच भारत में हैं और भारत में धीमी गति के गेंदबाज काफी असरदार होते हैं, इसीलिए वरुण चक्रवर्ती की टीम में वापसी कराई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि वह किस प्रकार अपना जलवा बिखेरते हैं। इसके अलावा नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आएंगे बेहतरीन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा के संन्यास लेने के बाद अब वॉशिंगटन सुंदर को लगातार मौके दिए जाने वाले हैं और उनका प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है, जो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही देखने को मिल चुका है, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करके दिखाई और बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाई थी। वही दोस्तों नंबर 11 पर मौका मिला है रवि बिश्नोई को। देखा जाए तो रवि बिश्नोई काफी शानदार स्पिन गेंदबाज हैं और मध्य में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्क्वाड के 12वें खिलाड़ी हैं मयंक यादव। जी हां दोस्तों, गति के सौदागर मयंक यादव की भी टीम में वापसी हो चुकी है। आप सभी ने देखा होगा मयंक यादव ने आईपीएल में 155 की रफ्तार से गेंद डाली थी, यानी कि यह काफी शानदार तेज गेंदबाज हैं और अब भारतीय टीम में भी मौका मिल चुका है। अब देखना होगा कि यह इसका कैसे फायदा उठाते हैं। इसके बाद दोस्तों स्क्वाड के 13वें खिलाड़ी हैं तेज गेंदबाज मुकेश कुमार। जी हां दोस्तों, मुकेश कुमार भी काफी विस्फोटक गेंदबाजी करते हैं और जबरदस्त विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और इनकी भी वापसी काफी टाइम बाद टीम में हो रही है। वही 14वें नंबर पर काफी समय के बाद मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद वह चोटिल हो गए थे, लेकिन अब रिकवरी हो चुकी है और हमें इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो मोहम्मद शमी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से विपक्षी टीम की हालत खराब करके रख देंगे। इसके बाद दोस्तों 15वें खिलाड़ी के रूप में टीम में वापसी हो रही है यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरे पर इन्हें आराम दिया गया था, लेकिन अब इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम सामने आ चुकी है, इसलिए जसप्रीत बुमराह को वापस T20 टीम में शामिल कर लिया गया है। वही दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह किस तरह के गेंदबाज हैं। ये अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो रही भारतीय 15 सदस्य T20 स्क्वाड जो कि BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ घोषित की है। तो आपको क्या लगता है इस स्क्वाड में कौन सी कमी है और कौन कौन से खिलाड़ी और होने चाहिए थे? महत्वपूर्ण राय एवं प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए एवं क्रिकेट की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।